ये जो सेंटर में ना उस साइड पीले वाला, तो यही अपने प्रिंस की मतलब निशानी है। तो इसको यार अगर ये पट्टा निकलेगा तो अपने को ज़्यादा बढ़िया होगा ये वाला। भाई हवा देख रहे हो कैसे चल रही है, आज भी हवा बहुत तेज चल रही है यार। बच्चे खोलने मुश्किल कर रखे हैं फिलहाल, अभी ये खोले हुए हैं, बाकी बड़े बच्चे नीचे हैं, इनको नीचे लेके चलते हैं। तो ये देखो भाई अपने सुल्तान को चेक कर रहे हो, ये रहा अपना लाइगर मतलब मोटो वाला, तो ये रहा अपना चीते वाला मार्शल, और वो आ रहा है माइकल। फिलहाल ये सारे के सारे नीचे, तो इन्हें ले आया था, बस चोबर रह गया ऊपर, चोबर को ले आते हैं, और बड़ा चीता मैं नीचे खोलता हूँ ना अभी, तो उसे लेके आना बस। कहाँ जा रहे हैं देखो ये। मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई बच्चे वगैरह सारे मैंने नीचे खोल दिए हैं फिलहाल, चोबर और बड़ा चीता रह गया है, और मोटो, क्योंकि मोटो चीते को मैं नीचे खोलता हूँ अभी, क्योंकि वो ब्रीडिंग पे चल रहे हैं ना, मतलब ब्रीडिंग करवा रहा हूँ मैं मोटो की, ताकि जल्दी हो जाए थोड़ा, इसलिए नीचे खोलता हूँ अभी, बाहर नहीं जा रहा क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है, आपको साउंड भी नहीं आएगी भाई, थक जाता हूँ भाई। बस बच्चे छोड़ो फिर, लेके आओ फिर छोड़ो, इसे ना हालत ख़राब हो जाती है। बाकी चलो आपको बच्चे दिखाता हूँ। फिलहाल अपने चीने वाले बच्चे खुले हुए थे चारों के चार, ठीक है सेट है, दाना वाना डाल दिया, इनको पानी पी रहे हैं अभी। फिलहाल थोड़ा सा और चावल लेके आया हूँ, अंदर रख दूंगा, खाना होगा खा लेंगे। बाकी एक बार ना इस पट्टी के भी बच्चे लेने हैं, अभी तक इस पट्टी के अपन ने बच्चे नहीं लिए, इसके बच्चे देखते हैं यार किसके साथ लेंगे। देखो इन्हें छोड़ के वहाँ दाना चलेंगे, ये तो खा पी के टुन हुए पड़े हैं, इनसे दौड़ा भी नहीं जाएगा, अभी देखो फुल हुए पड़े हैं पूरे। यार अपनी चीते लतों वाले में ना एक बच्चा छोटा रह गया जो सेंटर में है, बाकी दो के अच्छे चल रहे हैं ग्रोथ, एक छोटा रह गया पता नहीं कैसे, ये देखो दिख रहा है ना आपको, एक पिद्दू सा है और दो अपने बढ़िया चल रहे हैं बस। यार ये वाला रंग जो निकला ना यार, ये अगर वो जो मैं सोच रहा हूँ पट्टी में वो रंग बना ना तो बढ़िया है, अदरवाइज तो सब लोग बोल रहे हैं शायद पट्टी बनेगी, बाकी देखते हैं। सेंटर वाली की बात कर रहा हूँ, ये जो पीली सी है ना उसकी बात कर रहा हूँ। तो भाई ये रहे कुछ अपने राक्षस, चीना भी नीचे आ गई, ये रही गजनी वाली मोटो, ये सारे पट्टे, इनको तो बाहर निकाल दूंगा, बस ये अपना बड़ा चीता और ये मोटो अंदर रहेगी, बाकी ये सारे बाहर रहेंगे। फाइनली पूरी फैमिली के दर्शन करो, ये रहा मोटो वाला और चीते का बच्चा, ये है भाई ठीक है, इस जोड़े का बच्चा है अपना, ये चेक करो ये मोटो, इसका नाम लाइगर रथ है कुछ बात अपने लाइगर में, इस जोड़े का बच्चा है इसलिए वापिस से लगाया है ठीक है, वो चीज़ बनाने के लिए। और भाई अपना चीता जैसा मर्जी हो, देखने में देसी लगता हो, खरदुम्बा लगता हो, पर बच्चे इसके खरदुम्बे नहीं आते ठीक है, इसका प्रूफ भी है, एक ये पट्टा है ठीक है और एक ये पट्टा है, ये भी अपने चीने का देख लो, खरदुम्बा नहीं है। और अभी आपको दिखाता हूँ गब्बर वाला, ये भी हल्का खरदुम्बा है ठीक है, जो कि बाजरी का है, बाजरी मतलब पीले की बहन को, और ये पीले का है, ये भी देख लो, ये भी हल्का खरदुम्बा है, इनके बच्चे आते ही ऐसे हैं हल्के, क्योंकि अपना पीला और बाजरी दोनों खरदुम्बे ना हल्के, और इस लेटी वाला तो छोड़ ही दो, ये देखो पूंछ इसकी, इसके साथ वाले पट्टे की ये देख लो किंग का, इसकी भी पूंछ देखो नीचे है। वही बाहर निकाल दिया मैंने सबको ठीक है, ये घूम रहे हैं, ये पता नहीं किसका डोगी आके बैठा हुआ है यहाँ पे, ये रे ये दोनों अंदर बस। तो मैंने किंग खोला था अभी ना, किंग की मैं क्या करता हूँ भाई, नोक सेट करता हूँ इसकी ना, नोक थोड़ी सी आगे से आपको दिख रहा है ना, नीचे वाली थोड़ी सी ख़राब है, जो आगे बढ़ी हुई है उसको सेट करते हैं, और ऊपर वाली तो जब आएगी तब का तब देखेंगे, उससे पहले नोक सेट करता हूँ मैं इसकी। भाई एक अपनी गंजी है जिसने अंडे देने नहीं शुरू किए ठीक है, इस जोड़े के भाई अंडे दोबारा से आ भी गए देख लो अपनी, मतलब ये कल नोक वाली पट्टी ने भी एग दे दिया, क्या यार एक गंजी है जो अंडे नहीं दे रही भाई, मतलब दो ढाई महीने हो गए उसको आए हुए को ठीक है, आपको पता ही है, जैसे कि इसने भाई दोबारा अंडे देने शुरू कर दिए कप्पर के, देख लो कितने दो हफ्ते हो गए होंगे इसको मेरे ख्याल से, देख लो मेरे ख्याल से थोड़ी सी तो चीने ने भरी हुई थी पहले ही ठीक है, तो एक दो अंडे जो आएंगे अपने बड़े चीने के आएंगे, बाकी सारे गब्बर के आएंगे, फिर भी इसने यार इतनी जल्दी शुरू कर दी, यही फ़र्क है भाई, जो मुर्गियाँ अंडे देती रहती है ना तो ऐसे देती रहती हैं, और अंडे का साइज़ भी देखो भाई, ये नहीं कि छोटा सा अंडा, चेक कर लो आप खुद ही। तो भाई अपना बड़ा पीला खुला है, और भाई बच्चों के लिए चोकर लेके आए हैं 2 किलो, बहुत है भाई इतना तो बहुत टाइम चल जाएगा, और यार अपना बड़ा पीला देखो, और हवा नहीं चल रही यार, मेन बात अभी ये है इतनी हवा नहीं चल रही तो सही है,
इन्हें देखो अब कैसे उतावले हो गए पड़े बाहर आने के लिए। ये क्या हो गया था भाई फोन में, ऐसा लगा जैसे वीडियो रुक गई थी एक सेकंड के लिए। इसे देखियो, देखो देखो देखो, बस भाई उसके छोटे छोटे से बच्चे हैं। मैं पीलू, ओह चेक कर रहे हो अपने पीलू को, चल जा भाई। इनको हटा रहा हूँ, बार बार हटा रहा हूँ, फिर भी ये हट नहीं रहे। बार बार जा रहे चोकर खाने, मतलब सॉरी बाजरा खाने, चोकर बन इनके लिए वो मिक्स कर रहा है भाई वहाँ पे, फिर भी ना इनको इधर ही आना है। बस हमारी माँ को खाने दो, ये चेक करो पानी पी रहे, देखो कैसे पानी भर रहे हैं उसमें, अभी देखो कैसे खाएंगे। चोकर तो भाई एकदम खुश होकर खाते हैं, आप लोग भी ट्राई करना, एकदम खुश होकर खाते हैं चोकर। मुर्गी बाजरा खाने लगी है, पीलो अपना पानी पीने लगा है, और बच्चे अपना चोकर खाने लगे पड़े हैं। ये आ गया देखो, चेक करो भाई क्वालिटी अपने पीले की, साइज देख रहे हो भाई इसका, मोटू है ये अपना मोटू, इसका वेट घटता ही नहीं भाई, जितना मर्जी कोशिश कर ले हम घटता ही नहीं है, ऐसा ही है ये। भाई कब बड़े होंगे अपने ये बच्चे, क्योंकि यार कब मतलब कब तक ये खुदों में रहेंगे, इनको नीचे खोलना पड़ेगा ना ताकि इनकी अच्छी ग्रोथ हो। अभी क्योंकि छोटे हैं खोल नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है यार वो चिड़ी मार्ची है जो लगी हुई है, लगड़ जिसको बोलते हैं ना फैलकन, क्योंकि वो उठा के ले जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है भाई, मुश्किल से तो बच्चे इतने थोड़े से बच्चे अभी है, तो बाकी देखते हैं यार जल्दी जल्दी बड़े हो जाए। बस एक महीना मेरे ख्याल से और वेट करना पड़ेगा, जब मेरे ख्याल से जब ये नीचे खुलने लायक शुरू हो जाएंगे ना, तब तक अपने जो दूसरे मुर्गी के बच्चे हैं वो भी निकल आएंगे, जैसे अपनी बाजरी मुर्गी के गब्बर के साथ, और अपने किंग और स्लेटी वाले भी आ जाएंगे। बाकी तब तक तो ये लगे हैं, कुकर को ना भाई सारे के सारे बच्चे अपने ना जितने भी है सारे कुछ होकर खाते हैं, भी देख लो ठीक है, इसलिए हम लोगों ने चोकर शुरू कर दिया। अपने सारे के सारे बच्चे जितने भी ना चोकर को खुश होकर खाते हैं, आप लोग भी ट्राई करके देखो कि अब तो आपके भी चूजे जो अच्छे से खाएं, क्योंकि जो चीज़ अच्छे से खाते ना खिलाओ यार, ताकि इनको लगे शरीर को, मेन तो यही होता है ना। ये जो सेंटर में ना उस साइड पीले वाला, तो यही अपने प्रिंस की मतलब निशानी है, तो इसको यार अगर ये पट्ठा निकलेगा तो अपने को ज़्यादा बढ़िया होगा, ये वाला, हाँ ये वाला, ये अगर ये पट्ठा निकलेगा तो अपने को यार बढ़िया रहेगा, तो मज़ा आ जाएगा यार। सबसे बड़ा इनमें यही लगता है, और क्योंकि सबसे पहला बच्चा है ना ये, इसलिए मेरे को अभी तक पता है कि यही वाला प्रिंस का है। अगर एक साथ निकले होते तब भाई कन्फ्यूज़न हो जाती, इसका भी पता नहीं लगता। सबसे पहले प्रिंस वाला अंडा टूटा हुआ था और कोई बच्चा नहीं था, तो यही बच्चा अपने प्रिंस वाला एक, और इन तीनों में से पता नहीं एक और कौन सा है। ये हो सकता है छोटे पैर छोटा सा, क्योंकि इसके भी थोड़े से पीले पैर हैं, और ये दोनों चिट्टियों के हैं जो अपने काले नुके वाली पट्टी के लग रहे हैं मेरे को, ये सीन है। देख रहे हो चोकर कितना खुश होकर खाते हैं, ये भी प्रिंस वाले भी बहुत खुश होकर खाते हैं भाई चोकर, इतने बड़े बड़े पोटे कर रखे हैं इन्होंने, अभी भी छोटे छोटे से, अभी तो देख रहे हो डेढ़ महीने के हो गए हैं, अभी डेढ़ महीने के हिसाब से मेरे ख्याल मेरे को लग नहीं रहा कि उस हिसाब से ग्रोथ है, क्योंकि आपको पता है वो नीचे खुलते नहीं है, सारा दिन ऊपर ही बस जाल के अंदर ही घूमते हैं, इसलिए कोई बात नहीं, जैसे नीचे खुलना शुरू हो जाएंगे अपने आप ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी इनकी। तो वैसे अब देखते हैं प्रिंस की वो पट्टी निकलती है, पट्ठा निकलता है, वो तो देखा जाएगा। तो वीडियो अपनी आज की यहीं तक थी, उम्मीद करता है वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।